हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ, मैं एडवोकेट खाउचन बोल रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ। देखिए, मैंने आपका केस तो देख लिया है, अच्छी तरह से उसको स्टडी कर लिया है, और आपका केस जो है ना बहुत ही जटिल है, वेरी डिफिकल्ट। और मैं आपको 100% बोलता हूँ कि मेरे अलावा कोई इस केस को लड़ नहीं सकता, और मैं आपका केस लड़ लूंगा और जीत के दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि आपको मुझे अच्छी तरह खिलाना पड़ेगा, क्योंकि खाए बगैर तो कभी मेरा ना दिमाग चलता है ना मेरी जबान चलती है, इसीलिए लोग मुझे एडवोकेट खाउचन कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। और देखिए, मैं इसीलिए तो आपके शहर में आ गया हूँ, एमपी में आ गया हूँ, और इस समय मैं होटल नजफ में हूँ, तो आप मेरे से यहाँ आके मिल सकते हैं क्या? अरे ये क्या बात है, आपने कई लोगों को मेरा नंबर दे दिया। भाई, मैं थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ आपका केस लड़ने के लिए, बाकी मैं तो यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, और आपने कई लोगों को मेरा नंबर दे दिया है, तो मुझे यहाँ परेशान कर रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन लेकिन एक बात समझिए, हलते बलते को मत भेजिएगा, जो बड़ी पार्टी हो उसी को भेजिएगा, या खूबसूरत लड़कियों को, समझ गए ना? जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, ऐसे ही लोगों को नंबर दिया है आपने क्या? बहुत खूबसूरत है, क्या बात है क्या बात है। ठीक है चलेगा चलेगा, भेज दिए मेरे पास। हाँ ओके ओके ओके, हाँ, मैं देख लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप भेज दीजिए, अगर अच्छी है ना, खूबसूरत है, तो भेज दीजिए, और इसको मैं 50% डिस्काउंट भी दे दूंगा। ठीक है चलो, ओके ओके ओके। अच्छे अच्छे आइटम यहाँ भी आ रहे हैं, क्या बात है जी, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम मधु है। मधु जी, वेरी नाइस नेम। आइए ना, बैठिए ना, बताइए आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, आइए जी, आइए बैठिए। सर, मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि जो मेरा पति है वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे डिवोर्स ना दूँ, तो आप सर ये मेरी प्रॉब्लम हल कीजिए। आप जैसी सुंदर लड़की को डिवोर्स देना चाह रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती, मैं उस पर केस करना चाहती हूँ। ओके, तो फिर आप मुझे कितना खिलाएंगी? आप खाना खाएंगे? कितना खाना खाएंगे? अरे मैं खाने की नहीं, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। पैसा तो है नहीं, मेरे पति ने मुझे 15 दिन पहले घर से बाहर निकाल दिया। भाई कोई बात नहीं है, तो 15 दिन आप यहीं रहिए ना मेरे साथ, मैं तो 15 दिन तक यहीं हूँ आपके शहर में। 15 दिन के अंदर वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा, तो फिर मैं क्या करूंगी? इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ ना आपके लिए। मैं तो उस पर केस करने आई थी। मेरी बात मानिए, छोड़िए उसको, केसेस मत करिए उसके ऊपर, मैं हूँ ना। उस बिचारे पे केस बना के आपको क्या मिलेगा? अरे वो खरबोपति है, पैसा है उसके पास बहुत सारा। अच्छा ये बात है, तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अच्छा सुन, अब एक काम करते हैं, ठीक है, मैं उसके लिए बड़ा मजबूत केस बनाता हूँ, जबरदस्त केस फाइल करता हूँ, लेकिन हाँ, उसमें आपका एक योगदान मुझे चाहिए। आप 8 दिन तक यहाँ मेरे पास रहिए, और मुझे केस की एक एक बारीकी अच्छी तरह बताते रहिए, फिर देखिए मैं कैसा केस फाइल करता हूँ, हिला दूंगा उसको। और आपको मालूम है
आज तक कोई वकील खाओ चल से जीता नहीं है, सिर्फ किराने वाला चाहिए। पहली बार कोई ऐसा आया है जिसके सामने मैं दिल हार गया। तो आप ये बताइए कि क्या आप यहाँ एक हफ्ता मेरे पास सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ। ओके डन, तो आज अभी से आप मेरी असिस्टेंट बन गए। ओके ठीक है। ओके 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 ओके, आज से आप मेरी असिस्टेंट। आप जाइए चेंज करके आइए। अब हाँ, ये मंगल से छुपा देना। ओके ओके सर, ठीक है। ओके आप जाके आ जाइए, मैं जब तक देखता हूँ यहाँ पर कुछ। ओके ठीक है, चलो समाज दीजिए। काम तो हो गया, अभी आगे देखते क्या करना है। पैसे तो मैं यहाँ से अच्छे लेके जाऊंगा, क्योंकि आज जो चिड़िया फंसी है वो जबरदस्त चिड़िया है, खूबसूरती के हिसाब से भी और माल के हिसाब से भी।